जी नमस्कार गुड इवनिंग क्या हाल चाल है आप सभी के चलिए कीर्ति शिवम एहसान अरुण दीपिका अग्रिम धीरू साजिद दानिश बिट्टू नीलेष अनिल माही चलो भाई यहाँ पे एकदम मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कई सारे लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है है ना या ऐसा कह सकते हैं कि पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी कोई चैप्टर है डिजिटल सम। जैसे एक सवाल आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है और इस प्रकार के जो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं उन सबको आज की क्लास में हम करना सीखेंगे ठीक है भाई चलो ओके चलिए सेशन को लाइक करिए और हमने इस मैथ्स वाली चैनल पे इस क्लास को रखने का उद्देश्य कल भी बता दिया था हमारी ये जो चैनल है बहुत जल्द वन मिलियन होने वाली है और मुझे आप लोगों का इसमें सहयोग चाहिए मैंने पहले शायद ही कभी आपसे कहा सब्सक्राइब करने का लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि हाँ यार विनर्स आपके लिए कुछ कर रहा है या मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं और आपको लगता है कि हमने थोड़ा भी कुछ अद्भुत या कुछ क्रांतिकारी काम किया है शिक्षा जगत में तो इस चैनल को भी आप सपोर्ट जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करना है पैसा तो कुछ लगता नहीं सब्सक्राइब करने से लेकिन इस चैनल की ताकत जरूर बढ़ जाएगी है ना तो बाकी आपसे निवेदन है आपको फिर जैसा अच्छा लगे लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगेगा है ना और इस चैनल को जल्दी से हमें वन मिलियन का बनाना है है ना जीतने के लिए मुझे लगता है कि लगभग चौबीस पच्चीस हजार रन और चाहिए बस हमें है ना पच्चीस हजार सब्सक्राइबर्स के बाद ये चैनल दस लाख मिलियन का हो जाएगा चलो आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं और हमेशा जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम टेलीग्राम पे मिलती है द विनर्स इंस्टीट्यूट यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास के खत्म होते ही और विनर्स का जो ओरिजिनल टेलीग्राम ग्रुप है वो छह लाख लोगों का है उसी पे ज्वाइन होइएगा वहीं आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन अपडेट तमाम चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी है ना भाई चलो हम पहले एक सवाल कर लेते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक इंसाइट दे देता हूं कि डिजिट सम क्या होता है देखो इसको हम डिजिटल सम भी कहते हैं और डिजिट सम भी कहते हैं है ना उसमें आप मत जाइएगा मैं इसको डिजिटल सम भी कह सकता या डिजिट सम भी कह सकता हूं अल्टीमेटली अंकों का योग हम ये जो प्रश्न हल करते हैं इसमें अंकों का योग डिजिट्स निकालकर इन प्रश्नों का आंसर देते हैं मैं आपको बहुत बेसिक से एकदम गहराई से आपको पढ़ाने वाला हूं बस पूरा सेशन एंड तक अटेंड करिएगा एक सीक्वेंस में हम चलेंगे सारे बेसिक रूल्स शॉर्टकट्स और कैसे आप मैंने बहुत सवाल आपके लिए आज निकाले हैं मैं आपको दिखाता हूं अगर आप इस क्लास को आज पूरा अटेंड करेंगे तो आप ये जो इतने बड़े बड़े जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं ना ये सारे क्वेश्चन आप करना सीखोगे विद इन फाइव टू तो टेन सेकेंड डिपेंड्स कि आप कितना फास्ट हैं बाकी सेकेंड में आंसर लाना मैं सिखाऊंगा उस कला का नाम ही डिजिटल सम है तो अंत तक बने रहिएगा पूरा सेशन अटेंड करिएगा अच्छे से इसको सीख कर जाइएगा और केवल ये ऐसे कैलकुलेशन के क्वेश्चन नहीं बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ती है चाहे आपके पास कहें हम कंपाउंड इंटरेस्ट हो परसेंटेज हो ग्राफ वाले क्वेश्चन हो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है पता नहीं है तो हम यूज नहीं करते आज सीखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कितना यूजफुल है ठीक है भाई चलिए तो मैं एक सवाल आपको करके पहले बता रहा हूं आपको समझ में आएगा कि आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं फिर मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताऊंगा आइए देखो आप फिलहाल इतना समझ लो कि हमें नौ का जो भी अंक है अंकों का योग नौ अंकों का जो योग है नौ को हटाते जाना है अंकों का योग लाना है और अगर नौ आ रहा है तो नौ को हटाते जाना है मैं करके बता रहा हूं सुनिएगा अच्छा कभी भी किसी प्रश्न को आप हल करेंगे तो उस प्रश्न के अंकों का योग और उसके आंसर के अंकों का योग हमेशा इक्वल होता है क्या बोला मैंने क्वेश्चन के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा इक्वल होता है छोटा सा उदाहरण देता हूं सुनिएगा आप बात मैंने कहा कि भाई 35 और 45 को जोड़ दो सुनते जाना ध्यान से मैंने क्या कहा पैंतीस और पैंतालीस को जोड़ दो तो आप कहोगे सर इसमें क्या रखा है यह अस्सी आ गया ठीक है अब आप देखिए इसको आपस में जोड़िए तो ये हो जाएगा पांच और तीन आठ इसको आपस में जोड़िए पांच और चार हो जाएगा नौ फिर इनको आपस में जोड़िए आठ और नौ हो जाएगा सत्रह इसको आपस में जोड़िए कितना हो जाएगा आठ हम तब तक अंकों का योग निकालते हैं जब तक वो सिंगल डिजिट ना बन जाए एक अंक ना बन जाए इसी प्रकार आठ और जीरो को जोड़िए तो क्या यह भी आठ आएगा मैं आपको बस यही समझा रहा हूं कि किसी भी प्रश्न के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा सेम होता है और हमारा इस चैप्टर में मेन जो हीरो है वो कौन है नौ है जिसको हमने पहले ही काट दिया है ना पर हीरो नौ है अब आपको जितने नौ दिख रहे हैं उनको हटाते जाना है और प्रश्न हल करना है मैं एक सवाल आपको सॉल्व करके बता रहा हूं फिर हम इसके बेसिक्स को समझेंगे आइए देखिए जहां जहां नौ दिख जाए उसको हटा देना भाई आठ और एक नौ गया तो कितना बचा दो पांच और चार कितना हो गया नौ ठीक है आप ऐसे समझ लो कि पांच और चार कितना हो गया नौ अगर नौ आ गया ना तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका ठीक है बट स्टिल चलो ये मान लो थोड़ी देर के लिए नौ आ गया नौ का दुगना करोगे तो नौ का नौ का दुगना करोगे तो कितना आएगा अठारह और 18 को भी अगर आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा नौ आएगा आगे चलते हैं यहां पे भी आपका आठ और एक नौ गया तो बचा कितना चार नौ और पांच कितना हो गया चौदह चौदह का मतलब हो गया पांच अंकों को जोड़ना है हम आज बहुत प्रैक्टिस करेंगे पूरा सेशन अटेंड करना कम भी समझ में आए तो घबराना मत सुनिएगा बस बात ध्यान से नौ और पांच चौदह चौदह का मतलब होता है एक और चार एक और चार पांच तो चार और पांच का अगर आपने गुणा किया तो यह आ जाएगा आपका बीस और बीस को भी अगर आपस में जोड़ दिया तो वो आगे आपका दो और आगे लेकर चलते हैं छ दो आठ और दो हो गया दस समझना बात को छ दो आठ और दो दस तो ये दस हो गया दस को आपस में जोड़ोगे तो क्या बचेगा एक बचेगा पांच और चार नौ और एक दस या आप चाहें तो पांच और चार नौ हटा दें क्या बचेगा एक तो यह आगे आपका एक तो यहां पे आपने क्या कर दिया कि भैया एक इंटू एक कितना होता है एक होता है बात समझ में आ रही है आप सभी को हाँ ठीक है अब हम क्या करेंगे अगर यहां पे हल करते हैं इसको तो समझना नौ और दो ग्यारह ग्यारह में से एक गया तो आपके पास आया दस और दस को भी आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा एक तो मुझे यह पता चला कि इस प्रश्न के अंकों का योग कितना है एक है अगर प्रश्न के अंकों का योग एक है सम ऑफ डिजिट्स एक है तो इसके आंसर के अंकों का योग भी एक आएगा ठीक है इसके आंसर के अंकों का योग भी कितना आएगा एक तो मुझे ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसके अंकों को जोड़ने पर एक आ जाए बात समझ में आ रही है मैं नौ का लॉजिक अभी बताऊंगा उसकी आप अभी चिंता मत करो चलो देखो छ दो आठ और एक नौ गया तो बचा चार और दो छ तो ये कितना है भैया छे ये आपका आंसर नहीं हो सकता चार और चार आठ आठ और तीन ग्यारह देखो चार चार आठ तीन ग्यारह ग्यारह को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा दो आएगा ये भी आंसर नहीं हो सकता और आगे चलते हैं चार तीन सात और तीन दस और एक ग्यारह ग्यारह को आपस में जोड़ोगे तो अंकों का योग दो आएगा ये भी आंसर नहीं हो सकता फिर हो गया आपका चार तीन सात और दो नौ गया तो बचा कितना एक ये एक आ गया एक आपको चाहिए था तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया एक आ गया वन आ गया मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है इतना टाइम नहीं लगता इससे करने में पर आप बात समझ गए होंगे शायद क्लियर है बात डी इसका बिल्कुल सही आंसर है एक बार पूरा प्रश्न मैं आपको फिर से हल करके बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा मैंने आपसे यह कहा कि अंकों का योग और आंसर्स के अंकों का योग यानी डिजिट सम हमेशा सेम होता है नौ ही क्यों लेते हैं ऐसा क्यों करते हैं सब पर हम बात करेंगे चलो भाई आठ और एक नौ गया पांच और चार कितना हो गया आपका नौ अगर नौ आया है तो नौ का गुणा किसी से भी करो नौ ही आएगा आठ और एक नौ बचा चार नौ पांच चौदह चौदह मतलब चार और एक पांच पांच इंटू चार बीस बीस मतलब हो गया दो छह दो आठ दो दस मतलब एक पांच चार नौ गया तो बचा एक यानी एक तो नौ दो ग्य में से एक गया दस दस का मतलब हो गया एक तो मैं ढूंढूंगा किसमें एक आ रहा है छ दो आठ और एक नौ चार और दो छह फिर हो गया चार चार आठ तीन ग्यारह एक और एक हो गया आपका दो फिर हो गया चार तीन सात तीन दस और एक ग्यारह यानी फिर से दो चार तीन सात और दो नौ गया तो बचा कितना एक आपका आंसर ही आ जाएगा इतनी देर आपको लगेगी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में ठीक है एक बार जरा मुझे सिर्फ इतनी बात आप बताएं कि क्या ये जो मैंने अभी समझाया इतना आपको समझ में आया अभी कोई प्रश्न मत पूछो मुझसे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों जो समझाया क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया बस मुझे यस या नो में आप बता दो फिर मैं आप चैप्टर को शुरू करूंगा अभी मैंने शुरुआत नहीं करी है चैप्टर तो अब शुरू करेंगे अपन लोग समझ गए ओके भाई वेरी गुड लाइक की संख्या भी आप बढ़ा सकते हैं है ना और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आज इस चैप्टर के नाते आपको सब्सक्राइब करना है ठीक है चलो, अब मैं आपको गहराई में लेकर जा रहा हूं कि आखिर होता क्या है थोड़ा सा बेसिक समझते हैं फिर मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल निकाले हैं ये सब सवाल करेंगे और सेकंड्स में कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी है लेकिन आपको पता है कि पहले बेसिक समझना पड़ेगा तो आइए मिलकर इस चैप्टर का पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं मैं आपको बताऊं यहां पे नाइन की साइक्लिसिटी चलती है नाइन का चक्रव्यू चलता है मैं आपको बता रहा हूं कैसे देखो आपको एक बात यह समझनी है कि भैया इस चैप्टर में खेल है अंकों के योग का किस चीज का खेल है अंकों का योग इन इंग्लिश सम ऑफ डिजिट्स राइट और आप चिंता मत करना अगर आज हमारा चैप्टर पूरा नहीं हुआ तो कल एक क्लास और ले लेंगे अगर आप चाहोगे तो लेकिन पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे है ना पूरा पढ़ेंगे चलिए अब मैं आपको यह समझाता हूं जैसे मैंने एक लिखा दो लिखा थोड़ा पास कर लेते हैं दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ है ना अब आप समझना खेल नौ की साइक्लिसिटी चलती है यहां पे कैसे मैंने एक से लेकर नौ तक लिखा अब अगर मैं इसके आगे लिखूंगा तो देखना दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह चलने दो अभी आगे है ना इसके बाद उन्नीस फिर मैंने लिखा बीस फिर लिखा इक्कीस फिर लिखा बाईस फिर लिखा तेईस फिर लिखा चौबीस फिर लिखा पच्चीस फिर छब्बीस और फिर सत्ताईस और एक लिख लेते हैं इसके बाद आगे आपका ट्वेंटी एट ट्वेंटी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव एंड थर्टी सिक्स और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो समझना आप बोलोगे सर आप तो स्कूल जैसी संख्या सिखा रहे हो संख्या नहीं मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं आप यहां सभी अंकों का योग करके देख लो सेम आएगा एक एक होता है एक और जीरो को जोड़ने पे भी एक आता है नौ और एक दस को जोड़ने पे दस दस मतलब एक आएगा आठ और दो दस का भी योग एक आएगा यहां किसी को भी जोड़िए हमेशा दो आएगा एक और एक दो दो और जीरो दो नौ और दो ग्यारह ग्यारह मतलब भी दो तो यहां सबका योग दो है दो और एक तीन दो और एक तीन तीन और जीरो तीन तीन और एक चार दो और दो चार तीन और एक चार मैं इसको कितना भी आगे बढ़ाऊंगा ये जो भी आएगा सबका योग हमेशा सेम आएगा यहां चार है यहां देख लीजिए आप पांच है चार और एक पांच तीन दो पांच तीन दो पांच यहां आपके पास छह है पांच और एक चार दो तीन तीन यहां सात है छह सात पांच दो सात चार तीन सात यहां आठ है सात आठ छह दो तीन पांच और यहां क्या है नौ है आठ और एक नौ सात और दो नौ तीन और छ नौ ये खेल यहां पर चल रहा है और इन सभी नंबर्स में नौ एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका पहाड़ा चलता है जिसका टेबल चलता है यानी हर नौ नंबर के बाद सेम नंबर का पैटर्न रिपीट होता है आप नौ तक गए फिर वही अंकों का योग रिपीट मारा फिर वही अंकों का योग रिपीट करता है नौ की साइक्लिसिटी यहां पर चलती है है ना और इन सब में केवल नौ एक ऐसा नंबर है जिसका पहाड़ा चल रहा है आप देख लो नौ या नौ के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या होगी उसके अंकों का योग नौ आएगा समझ आ गया बाकी किसी में पहाड़ा नहीं चलता आप देख लो भाई पांच के बाद चौदह आ गया तेईस आ गया बत्तीस आ गया कोई कनेक्शन ही नहीं है छह में पंद्रह भी आ गया चौबीस भी आ गया कहीं भी कुछ भी नंबर आ सकता है अंकों का योग सेम रहेगा लेकिन एक से लेकर आठ तक आपको कोई कनेक्शन नहीं दिखेगा केवल और केवल किस में दिखेगा नौ में दिखेगा समझ में आ गया तो यहां पे नौ की साइक्लिसिटी चलती है इसलिए हम हमेशा नौ लेते हैं भाई या तो नौ आए या नौ के पहाड़े में कोई भी संख्या आ जाए उसके अंकों का योग हमेशा क्या माना जाएगा नौ माना जाएगा आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने यहां पे जैसे ही देखा कि यार पांच और चार नौ है अब मैं नौ में किसी का भी गुणा करूं आंसर नौ ही आएगा नौ में किसी का भी गुणा करे नौ आएगा करके देख लो यहां पे नौ और दो था तो आपने सोचा कि चलो यार यहां नौ आठ और एक नौ गया पांच और चार आपका नौ हो गया यहां ऐसे मत करना कि नौ से नौ, पांच और चार नौ हो गया नौ का दुगना करा आपने अठारह नौ दुनिया अठारह का मतलब हो गया अठारह अठारह का मतलब क्या हो गया आठ और एक नौ आखिरी में आपके हाथ में नौ ही आएगा तो रूल नंबर वन कि नौ का गुणा किसी भी नंबर से हम करेंगे तो आपका आंसर हमेशा नौ यानी डिजिट सम हमेशा नाइन आएगा रूल नंबर वन हाँ, आप इसे वैदिक मैथ बिल्कुल बोल सकते हो यह बात आपको समझ में आ गई ठीक है तो ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना अब आगे चलते हैं अब आप अगला एक नियम ध्यान रखना जो मैंने कहा कि किसी भी प्रश्न के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा सेम होता है हम एक मन से उदाहरण ले लेते हैं भाई मैंने सोचा कि चलो यार 25 और 15 का गुणा करके देख लेते हैं है ना फिर हमने सोचा कि चलो 25 और 15 को जोड़ के देख लेते हैं फिर हमने सोचा कि चलो 25 में से 15 को घटा के देख लेते हैं है ना 25 और 15 का गुणा करोगे 375 आएगा 25 और 15 को जोड़ोगे 40 आएगा 25 में से 15 गया तो 10 आएगा मैंने बोला किसी भी प्रश्न के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा सेम होता है सम ऑफ डिजिट इज ऑलवेज इक्वल तो आ जाओ भाई सुनो बात को आप यहां पे अंकों को जोड़िए पांच और दो कितना हो गया सात पांच और एक कितना हो गया छह और सात हो गया बयालीस चार और दो कितना हो गया छ चलो इधर आ जाओ सात तीन दस और पांच पंद्रह पंद्रह को आपस में जोड़ा तो कितना आ गया छ है ना कितना आ गया भाई छे दोनों तरफ सेम है मतलब गुणा करने पर भी अंकों का योग काम करता है डिजिटल रूल अपना काम करता है डिजिट सम काम करता है यहां आ जाओ पांच और दो हो गया सात पांच और एक हो गया छ सात और छ हो गया आपका तेरा तीन और एक कितना हो गया भाई चार हो गया और चार और जीरो को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा चार ही आएगा प्लस में भी काम करता है माइनस में आ जाओ पांच और दो सात पांच में से एक गया छ मतलब ये हो गया आपका पांच और एक छ एक और जीरो को जोड़ोगे तो भी एक आएगा मतलब माइनस में भी काम करता है समझ में आ रही है बात है ना तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो चाहे नंबर्स को प्लस कर लो चाहे नंबर्स को माइनस कर लो चाहे डिवाइड कर लो मैं अभी डिवाइड का आपको आंसर तरीका नहीं बता रहा हूं लेकिन ये डिवाइड में भी काम करेगा ये स्क्वेयर्स में भी काम करेगा ये क्यूब्स में भी काम करेगा ये हर जगह काम करेगा है ना रूल है कि, कि किसी भी नंबर में प्रश्नों के अंकों का योग और उत्तर के अंकों का योग हमेशा सेम होगा आपको शायद बात समझ में आ गई होगी ठीक है इतनी बात क्लियर है मैं आपको थोड़ा डिवाइड स्क्वायर क्यूब सब बताऊंगा पर एक साथ अगर मैंने सारे नियम बता दिए ना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए हम थोड़ा आराम आराम से चलेंगे चिंता मत करना है ना आप चाहें तो देख लीजिए भाई ग्यारह का वर्ग कर दो आपको पता है कि सर वन ट्वेंटी वन होता है है ना तो ग्यारह का वर्ग क्या होता है किसी भी नंबर पर कर लेना मैं आसान नंबर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी बहुत कठिन सवाल अपन करने वाले हैं और वो नंबर ले रहा हूं कि आप तुरंत इनको देख सकें तो एक और एक हो गया दो, दो का वर्ग हो गया चार यहां देखो दो तीन और चार सेम है क्यूब में सब में सेम काम करेगा क्लियर हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं लेकिन आप देखो मजा आ जाएगा आपको चलो क्लियर है इतना तो पहला सवाल आप सबको समझ में आ गया है ना पहले तो मैंने आपको बता दिया नाइन की साइक्लिसिटी क्या होती है बहुत काम का रूल है नौ के अलावा किसी का पहाड़ा नहीं चलता नौ दिखा मुस्कुरा दो क्योंकि नौ का गुणा किसी से भी करोगे क्योंकि नौ का ही पहाड़ा चलता है तो नौ के पहाड़े में आने वाली हर संख्या के अंकों का योग हमेशा नौ होता है फिर मैंने आपको बताया कि प्लस करो माइनस करो गुणा करो भाग दो वर्ग घन कुछ भी निकालो अंकों का योग हमेशा सेम काम करेगा ठीक है अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूं कि आपको दशमलव का परसेंटेज का या किसी भी चीज की आपको चिंता नहीं करनी है जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है कि सर 312 गुणा में सर हमारे पास एक दशमलव एक है उदाहरण के लिए हम कर रहे हैं अगर मुझे 312 में 11 का गुणा करना है एक दशमलव एक का गुणा करना है तो आपको कभी दशमलव नहीं देखना है आपको सिंपल यह देखना है कि भैया ये हमारे लिए तीन है और यह हमारे लिए ग्यारह है तीन दो पांच और एक छोड़ा छह दुनी बारह बारह को आपस में जोड़ा तो क्या आया तीन ठीक है दशमलव की चिंता नहीं करनी क्यों नहीं करनी है उसका कारण सुन लो उसके पीछे कारण यह है कि तीन सौ बारह है तीन सौ बारह को अगर हल करोगे तो यह तीन सौ बारह बटे सौ आएगा बोलो हां तीन सौ बारह को हल करोगे तो आएगा तीन सौ बारह बटे सौ तो देखना तीन दो पांच और एक छीरो जीरो एक यानी एक छह में एक का भाग दोगे तो क्या आएगा छ आएगा इसलिए दशमलव यहां मैटर नहीं करता सेम अगर मैंने कहा कि भैया फिफ्टी फाइव परसेंट तो फिफ्टी फाइव परसेंट का मतलब पचपन बटे सौ पचपन बटे सौ मतलब पांच और पांच दस का एक नीचे एक तो आंसर इसका एक ही माना जाएगा डिजिट सम इसका एक ही माना जाएगा तो दशमलव का और परसेंटेज का कभी टेंशन नहीं लेना है ठीक है बात चाहो तो आप गुणा करके भी देख लो आपके मन में होगा तो ग्यारह दुनी बाईस का दो ग्यारह और दो हो गया तेरह और ग्यारह तैतीस और एक हो गया आपका चौतीस दो अंक तीन अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर वास्तव में तीन दशमलव चार तीन दो है, है ना अंकों का योग निकाल कर देख लेते हैं तो आप देखेंगे चार तीन सात और दो नौ गया तो बचा कौन तीन हैं आपके सामने मैंने करके दिखा दिया कि अंकों का योग कितना है तीन है ठीक है मजा आ गया चाहो तो टोटल करके देख लो चार तीन सात दो नौ और नौ और तीन बारह मान लो ऐसा हो जाए कि आप बोलो सर हम तो नौ काटना ही भूल गए हमें ध्यान ही नहीं रहा गलत नहीं होगा चार तीन सात दो नौ तीन बारह बारह को आपस में जोड़ोगे तो दो और एक कितना आएगा तीन तो प्रश्न के अंकों का योग और आंसर के अंकों का योग हमेशा सेम होगा उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं ठीक है और हम अभी हल नहीं कर रहे हैं। हम केवल डिजिट डिजिटल मतलब डिजिट सम की बात कर रहे हैं हम ये नहीं देख रहे कि भाई पचपन परसेंट का मतलब क्या होता है हम देख रहे हैं पचपन परसेंट के अंकों को जोड़ने पे क्या आएगा अंकों को जोड़ने पे एक आएगा इसके अलावा अभी हम और कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूं कुछ बातें और हैं अभी मैंने आपको भाग के बारे में नहीं बताया उसको थोड़ा सा समझेंगे कि भाई अगर मान लो पांच पांच छ आठ पांच में अगर मुझे तेरह का भाग देना है तो बिना भाग दिए मैं कैसे पता लगाऊं ये मैं आपको सिखाऊंगा अब भाग बचा है बस बाकी सब हो गया बाकी सब सीख गए आप अब आपको आंसर देना है अच्छा आपको सबसे पहले क्या करना है पहले आपको प्रश्न के अंकों का योग निकालना है फिर देखना है कि आंसर में कौन सा है अभी नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट भी बचा है वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं फिलहाल आप सभी मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए है ना सारी चीजें पढ़ेंगे थोड़ा सा आराम आराम से चलने दो एक क्लास में पूरा नहीं होगा कल फिर से एक और क्लास लेकर आ जाएंगे लेकिन पूरा पढ़ाऊंगा मैं पर एक बात समझो कि सारे नियम एक साथ अगर आपके दिमाग में मैंने भर दिए आप बिखर जाओगे हाथ और पैर ऊंचे कर दोगे इसलिए आराम से चलने दो हर प्रश्न बनेगा वो मेरी जिम्मेदारी है चलो भाई आपके पास सवाल है कि सर पैंतीस का घन कर दीजिए और सर दस का घन कर दीजिए तो बताओ जरा यह हो गया पांच और तीन आठ आठ का घन होता है भैया पांच एक और जीरो एक और एक का घन होता है एक पांच दो सात और एक आठ आठ में एक जुड़ गया तो यह आ गया नौ यानी आपको ऐसा प्रश्न देखना है ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंकों का योग कितना आए नौ आए बात क्लियर है और मैं आपको एक चीज और बता बता दूं कि नौ का मतलब जीरो भी होता है नौ का मतलब जीरो भी होता है ऑप्शन के अंकों को योग को नौ आ जाए या जीरो आ जाए आपका आंसर आ जाएगा है ना चलिए किस में आ रहा है वो हम पता लगा लेते हैं तो देखिए यहां पे सबसे पहले नौ को हटाना है पांच और चार नौ सात और दो नौ यहां बचा केवल चार यहां पे देखेंगे तो ये हो गया आपका चार और तीन सात पूरे जोड़ना पड़ेगा इसको तो है ना चार और तीन सात और सात चौदह चौदह में आठ जोड़ दिया बाईस बाईस में आपने पांच जोड़ दिया सत्ताइस सत्ताईस मतलब अंकों का योग कितना आ गया नौ यहां पे देखें तो आठ चार बारह और पंद्रह पंद्रह मतलब कितना आ गया छह यहां पे देखें तो पांच और चार नौ गया चार और चार कितना आ गया आठ तो यहां पे अंकों का योग चार है यहां छह है यहां आठ है वहां नौ है तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा नौ क्योंकि यहां पे नौ आया है ठीक है इस प्रकार के सवाल में हमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एक दो ऑप्शन के अंकों का योग सेम नहीं आना चाहिए जनरली जो सवाल आपके डिजिटल सम से होना है उसमें ऑप्शन में सेम डिजिट नहीं आएंगे अलग अलग ही आएंगे हम बहुत सारे प्रश्न परीक्षा के कर रहे हैं और आप आगे भी जब देखोगे तो जब ये तरीका कब लगता है डिजिटल सम कब लगता है जब बेहद कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं जब बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछे जाने हैं तो पेपर बनाने वाला खुद चाहता है कि तुम इसे डिजिट डिजिटल सम से करो अब पता होगा तो करोगे ना नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर सकते तो बहुत कैलकुलेटिव सवाल डिजिटल सम से सॉल्व होते हैं और उसमें दो ऑप्शन सेम नहीं होते हैं आप खुद अनुभव लेके देख लेना पर अभी फिलहाल अपन सीख लेते हैं चले आगे अब ये इस प्रकार के सवाल हैं आज की हमारी क्लास का एक प्रमुख उद्देश्य जो अभी पुलिस की परीक्षा होनी है उसमें ऐसे सवाल पिछले साल बहुत आए थे तो हम उनको करना सीखेंगे कि इसको कैसे हम कर सकते हैं डिजिटल सम से सवाल आपके सामने है और आपके आज की क्लास से सीधे सीधे चार से पांच नंबर बढ़ने हैं मैं आपको कुछ दूसरे चैप्टर्स में भी जैसे चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत लाभ हानि उनमें भी सिखाऊंगा कि डिजिटल सम कैसे लगा सकते हो पर थोड़ा सा अपना बेसिक अच्छा हो जाए है ना भाई सबसे पहले हमें नौ सारे हटाने हैं और सामान्य तरीके से हल करना है ना देखो यहां पे क्या हो गया यहां पे हो गया पांच दो सात और दो नौ तो बचा छ और चार चौबीस चौबीस का हो गया छ अब यहां पे एक गलती कभी मत करना हालांकि मैक्सिमम केसेस में भाग में मामला जम जाता है लेकिन मैं कभी सलाह नहीं देता हूं कि भाग में आप यूनिट डिजिट सम लगाओ आप में से कई लोग क्या करेंगे छह चार दस और चार चौदह है ना छह चार दस चार चौदह चौदह का मतलब चार और एक पांच और बटे में चार आ जाएगा फिर आप बोलोगे सर अब क्या करें तो मैं आपको भाग अभी बताऊंगा थोड़ी देर रुक जाओ बस अभी आप चार का भाग सामान्य तरीके से दे दो तो ये हो जाएगा कम चार एकम चार चार एकम चार चार इंटू छ चौबीस छह सात और ये हो गया आपका आठ आगे चलो पच्चीस पच्चीस होता है आपका छह सौ पच्चीस पहला तरीका तो छह दो आठ और पांच तेरह तेरह का मतलब कितना आ गया चार आप बोलोगे सर मुझे ऐसे नहीं करना तो पांच और दो सात पांच और दो सात सात और सात उनचास नौ और चार तेरह तीन और एक चार कैसे भी करोगे योग सेम आएगा है ना मैंने पांच और दो सात और सात में करा तो तीन और एक चार आया पच्चीस पच्चीस छह सौ पच्चीस तो भी चार आएगा दशमलव ऑफ परसेंटेज नहीं देखना है कोई काम के नहीं अपने है ना भाई चलो आगे चले माइनस हो गया ब्रैकेट के अंदर चलते हैं छ और तीन नौ तो बचा आपके पास तीन आगे चलो नौ का गुणा किसी से भी करोगे तो नौ ही आएगा क्या नौ का गुणा किसी से भी करोगे नौ ही आएगा अंदर चलते हैं तीन का भाग दोगे तो ग्यारह और ग्यारह का मतलब कितना हो गया दो पैतालीस का देखो पैंतालीस यानी पांच और चार नौ नौ का गुणा किसी से भी करोगे तो भैया नौ ही आएगा हाँ या ना अब मैंने आपसे कहा कि आप चाहे तो नौ को नौ रहने दें या चाहे तो नौ को आप जीरो भी मान सकते हो कोई तकलीफ नहीं है उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना चलो छे और आठ चौदह चौदह में से आपका चार गया तो आपके पास बचा दस और दस का मतलब क्या होता है एक क्लियर है बात यहां तक हाँ बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी गया है बहुत अच्छी बात है है ना आप चाहें तो नौ को जीरो और नौ को जीरो मान लो तो ये हो गया आपका तीन और दो कितना ये हो गया तीन और दो आपका पांच तो ये आ गया या तो ऐसे कर लो कि दस में से पांच गया तो कितना आ गया पांच अब मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंकों का योग कितना हो पांच हो बस इतना सा काम है हमने दोनों नौ को जीरो मान लिया आप कर सकते हो नहीं तो आप पूरा हल करना आखिरी में इकाई अंक आपका मतलब यूनिट जो है अंकों का योग जो है वो पांच ही आएगा चलो आठ दो दस और दो बारह बारह का मतलब होता है तीन नहीं हो सकता आठ दो दस दो बारह दो चौदह चौदह का मतलब पांच ये हो सकता है भाई है ना पांच दो सात दो नौ और दो ग्यारह ग्यारह का मतलब दो हो गया नौ तीन बारह तीन पंद्रह और दो सत्रह सत्रह का मतलब हो गया आठ तो मुझे बताइए यहां आठ है यहां दो है यहां पांच है और यहां तीन है तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा सी आठ दो दस दो बारह दो चौदह चौदह मतलब चार और एक पांच ये किस में आ रहा है सी में आ रहा है तो वही आपके प्रश्न का आंसर है मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप में से मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूं लेकिन थोड़ा सा सीखने के बाद आपको इतना टाइम नहीं लगना है फटाफट उड़ाते जाना है क्योंकि ना दशमलो देखना है ना कुछ जोड़ते जाना है समझ में आया क्या सवाल है ना प्रश्न के अंकों का योग पांच आया ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसके अंकों का योग पांच है सी आपके प्रश्न का आंसर है ठीक है चलो भाई लाइक की संख्या इतनी कम काहे है नौ हजार से ज्यादा लोग देख रहे हैं और लाइक पांच हजार ही है अच्छा नहीं लग रहा है क्या तुम लोगों को मजा नहीं आ रहा है हाँ और अच्छा सवाल लाए ये लो और अच्छा सवाल लाते हैं इस क्लास को एक बार देख लो फिर एक बार इसका रिविजन कर लेना एकदम पक्का दिमाग में छप जाएगा है ना आगे पता नहीं जरूरत पड़े ना पड़े क्योंकि माइनस की बात आ गई है तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कभी मान लीजिए कभी मान लीजिए जोड़ने पे ऐसी स्थिति बन सकती है ना कि भाई इधर आगे आपके पास ग्यारह और इधर आगे आपके पास पंद्रह ऐसी स्थिति बन सकती है तो सुनना बात ध्यान से ग्यारह का मतलब हो गया दो पांच और एक हो गया आपका छह में से दो गया तो माइनस चार लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आपके ऑप्शन माइनस में है ही नहीं या उल्टा हो सकता है कि कभी कभी ऑप्शन माइनस में हो और अंकों का योग आपका जो है वो क्या आ रहा हो प्लस में आ रहा हो तो ऐसे केस में हमेशा नौ में से घटा देना अगर मैं नौ में से इस चार को घटा दूंगा तो इसका पॉजिटिव सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग कितना आएगा पांच आएगा किसी प्रश्न को हल करने पर अंकों का योग छ आ गया अंकों का योग कितना आ गया, आ गया। लेकिन भैया छऑ ऑप्शन में है ही नहीं सारे ऑप्शन नेगेटिव हैं तो उसको नौ में से घटा देना तो अगर एक प्लस का छह है तो दूसरा माइनस का तीन होगा ये ध्यान रखना है ना तो प्लस को माइनस बना सकते हो माइनस को प्लस बना सकते हो ऑलवेज रिमेम्बर हमेशा इस बात को ध्यान रखना ठीक है चलो आगे अब मैं लेकर चल रहा हूं आपको इस सवाल को सब लोग ध्यान से देखिए पहले फिर मैं आपको करके बता रहा हूं पहले अपने लेवल पे जल्दी से सॉल्व करके देखिए नौ हटाइए और फटाफट सॉल्व करिए क्वालिटी बढ़ा लो ठीक दिखेगा एक पे मत देखो तीन सौ इन पे कुछ देखो सब बढ़िया दिखेगा बताइए हाँ जी देखें आ जाओ समझना देखो यहां पे देखो आठ और तीन ग्यारह अब थोड़ा सा हमें जल्दी करना पड़ेगा इतना दिमाग में करना पड़ेगा आठ तीन ग्यारह ग्यारह का मतलब होता है दो है ना तो सात दुनिया चौदह चौदह का मतलब हो गया पांच यहां पे आपका नौ गया अच्छा पहले आप भाग देकर देख लो इसके बाद में आपको भाग का कॉन्सेप्ट बता देता हूं इस बार और भाग देकर देख लो है ना ग्यारह का भाग दोगे ग्यारह इंटू चार चौवालीस ग्यारह इंटू पांच पचपन पांच और चार कितना आ गया नौ आ गया छोड़ो नौ का गुणा किसी से भी करेंगे नौ ही आएगा अंदर चलते हैं तिरसठ में तीन का भाग दोगे तो ये आएगा इक्कीस इक्कीस का मतलब कितना आ गया तीन सात का गुणा करोगे तो देखो सेम स्थिति यहां पे बन रही है नौ और पांच चौदह चौदह मतलब पांच सात इन पांच पैंतीस पैंतीस का मतलब हो गया आठ दो दो चार और एक कितना हो गया पांच और अंदर चलते हैं दो का भाग दिया तो ये आ गया दो सौ तैतीस तीन तीन और दो आठ फिर यहां पे क्या है छह पांच ग्यारह बारह तेरह तेरह का मतलब कितना आ गया चार और आगे चलो नौ और एक दस मतलब एक सात का एक में गुणा कर दिया तो कितना आ गया साथ. तो मैंने अभी सारे प्रश्न को हल कर दिया अब कुछ नहीं करना है फटाफट इसको ब्रैकेट से मुक्त करना है है ना तो देखो नौ और पांच चलो इसको छोड़ो ये तो कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे केवल पांच बचेगा अंदर चलते हैं यहां पे अगर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आठ और तीन ग्यारह ग्यारह में से पांच गया तो आपके पास छह बचा आठ चार बारह बारह में से अगर आपका सात गया बारह में से सात गया तो आपके पास कितना बचा पांच बचा भाई है ना फिर यहां पे आ जाओ यहां पे अगर देखोगे तो छह और पांच ग्यारह ग्यारह में आपने पांच जोड़ दिया तो ग्यारह में पांच जोड़ दिया सोलह सोलह का मतलब कितना आ गया आपका सात आ गया ठीक है बात सात आ गया अब भैया तकलीफ क्या है यहां पर सात किसी ऑप्शन में नहीं है यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था है ना सात किसी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि एक और एक तो दो होता है एक और जीरो एक होता है पांच और एक छे होता है तो अब हमें नेगेटिव को पॉजिटिव या पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलने की जरूरत है अगर यह धनात्मक है तो इसको ऋणात्मक में कन्वर्ट कर लो अगर यह प्लस का सात है मतलब इसका नेगेटिव माइनस का दो होगा अगर सात से बात नहीं बन रही तो माइनस दो से बात बन जाएगी और देखो एक और एक माइनस का दो ए वाला आपका आंसर बिल्कुल सटीक है तीर एकदम निशाने पे लगेगा ए वाला आपका आंसर आएगा क्लियर भाई है ना सात नहीं है ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है आपको नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने की कला भी तो सिखा दी है तो सात नहीं है तो दो तो है माइनस दो से काम चला लो एक और एक कितना हो गया माइनस का दो हो गया अब बताओ कैसा रहा हम्म ठीक है अठारह में से भी घटा लो नौ या नौ के पहाड़े की कोई भी संख्या लोगे बाई बात वही है है ना तो उम्मीद है आप सारी बातें समझ पाए होंगे कि हमने यहां पे क्या खेल खेला है चलो और अभी देखो अभी तो शुरू भी नहीं करा है अपन ने अच्छे से अभी देखते जाओ चलो इसको दो मिनट करके देख लो आप नहीं तो मैं बता रहा हूं और इसमें पूरा खेल प्रैक्टिस का है पूरा खेल प्रैक्टिस का है है ना प्रीवियस इयर्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं प्रैक्टिस कर लेना आप सीख जाओगे अच्छा मैं अब आपको भाग वाला कंसेप्ट सिखा देता हूं क्योंकि उसकी अब हमें जरूरत पड़ेगी और अब इससे ज्यादा हम नहीं रोक सकते तो सुनना मेरी बात कि हम भाग में क्या करते हैं है ना जैसे भाग में क्या होता है हम सोचते हैं कि सर हमने ले लिया पांच तीन आठ दो और छ और सर मुझे इसमें ना भाग देना है बाईस का किसका भाग देना है बाईस का या बाईस का नहीं चलो इसमें मुझे भाग किसका देना है दो का या दो का भी मतलब ग्यारह का ले लो किसका भाग देना है भाई का अब आपको इसमें दिक्कत आ जाएगी है ना अब हमें क्या करना है समझना भाई मैंने सोचा चौवालीस फिर ग्यारह इंटू आठ अठासी अट लेकिन हो सकता है कि भाग ना जाए लेकिन जो मैं बता रहा हूं उससे आपका काम हो जाएगा आप अंकों का योग कर लो देखो ऊपर क्या है पांच तीन आठ पहली बात तो छे और तीन नौ हो गया या चाहो तो सब भी ले लोगे तो दिक्कत नहीं है पांच और दो कितना हो गया सात तो ये सवाल बेसिकली आपके लिए क्या है सात बटे दो ध्यान से सुनना क्या है सात बटे दो अब मैंने आपको ये सिखाया था कि आपको नीचे हमेशा कैसे भी करके एक लाना है आपको नीचे हमेशा कैसे भी करके एक लाना है तो जब भी दो आए तो पांच का गुणा पांच का भाग तो ऊपर हो जाएगा पैंतीस नीचे हो जाएगा दस पांच और तीन आठ बटे में एक एक को लिखने की जरूरत नहीं है तो इस प्रश्न के जो हमने प्रश्न लिया था पांच तीन दो छह बटे ग्यारह इसके अंकों का योग कितना आएगा पता है वो आएगा आठ हमें कैसे भी करके नीचे जीरो जीरो नहीं एक लाना है ताकि एक लिखने से फर्क ना पड़े है ना और उदाहरण समझो भाई मैंने कहा कि फिर इसी नंबर को मैं ले लेता हूं ताकि बार बार मेहनत ना करना पड़े मुझे इसमें मुझे इसमें इस सोलह का भाग देना है किसका भाग देना है सोलह का भाग देना है अच्छा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सात का भाग देना है सात का भाग दें सोलह का भाग दें घूम फिर के आना वो एक ही अंक पे है तो मुझे इसमें किसका भाग देना है भाई सोलह का भाग देना है तो यहां पे छ और तीन नौ गया पांच और दो बचा सात यहां पे आपके पास कितना है सात ऐसी गलती मत करना कि सर एक आएगा नहीं नीचे जीरो लाना है तो सात के केस में हम चार का गुणा करते हैं सात के केस में किसका गुणा करते हैं चार का अच्छा कई बार कई बार नहीं अधिकतर होगा कि जो डायरेक्ट हल करने से आ रहा है वही आखिरी में आ रहा है लेकिन कई बार भाग की स्थिति में गलती होती है इसलिए रिस्क मत लेना है ना हाँ ठीक है चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा सात इंटू चार 28 और यहां पे भी हो जाएगा सात इंटू चार अट्ठाईस आठ और दो हो जाएगा दस नीचे हो जाएगा दस यानी क्या आएगा एक तो कभी भी सात आए तो आप किसका गुणा करेंगे एक का गुणा करेंगे है ना करेक्ट <coughs> अब इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर नीचे कभी भी दो आता है तो पांच का गुणा और पांच का भाग अगर कभी दो आता है तो पांच का गुणा पांच का भाग ताकि नीचे क्या बन जाए नीचे आपका दस बन जाए समझ गए अगर कभी उल्टा पांच आ जाए तो दो का गुणा दो का भाग तो ये क्या हो जाएगा नीचे दस बना देगा ठीक इसी प्रकार अब अगर कभी सात का भाग देना है तो चार का गुणा चार का भाग तो ये क्या बन जाएगा ये अट्ठाईस बन जाएगा और अट्ठाईस का मतलब क्या होता है दस होता है ठीक इसी प्रकार अगर कभी चार का भाग देना है तो सात का गुणा सात का भाग तो ये आ जाएगा सेवन एन सात चौक का अट्ठाइस मतलब आठ और दो दस क्लियर है बात सब बता रहे हैं सब बता रहे हैं चिंता ना करो हम्म <coughs> क्लियर यहां तक गुड है ना और सुनो अब आपके मन में आएगा कि सर बाकी संख्याओं का क्या करें इधर बता दू क्या यहां पे बता देता हूं है ना अब आप बोलोगे सर कभी आठ आ जाए तो आठ के केस में आठ का गुणा आठ का भाग क्यों क्योंकि आठ और आठ होता है चौसठ और चौसठ का मतलब होता है छ और चार दस तो नीचे क्या आ जाएगा दस आ जाएगा है ना ये हो गया तो हमने क्या क्या देख लिया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ एक आने का बता दिया दो का बता दिया चार का हो गया पांच का हो गया सात का हो गया आठ का हो गया अब ध्यान रखना तीन छ और नौ के आने में कभी भी नीचे तीन आ जाए छ आ जाए या नौ आ जाए उसमें हम हमेशा क्या करते हैं उसमें हम हमेशा तीन से काटा पीटी करते हैं यानी तीन का गुणा और तीन का भाग इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद तो आपको समझ में आएगा मेन आप लॉजिक पकड़े कि हमें लॉजिक क्या लगाना है हमें कैसे भी करके नीचे जीरो लाना है यानी सौ सौ की या दस की स्थिति लानी है ताकि वो एक हो जाए और नीचे अगर एक हो जाएगा तो ऊपर चाहे कुछ हो आंसर वही माना जाएगा बस यही लॉजिक है तीन छह और नौ केस में हम तीन का पहाड़ा लेते हैं यानी तीन से काटा पिटी करके उसको हल्का करते हैं आप बोलोगे क्यों भाई सोचो अगर तीन में तीन का भाग दूंगा तो नीचे एक हो जाएगा सोचो अगर तीन से तीन कटेगा तो नीचे एक हो जाएगा तीन से छह कटेगा तो दो आ जाएगा तीन से नौ कटेगा तो ये तीन आके फिर से तीन का भाग देंगे यानी नौ के केस में आप चाहें तो नौ का गुणा और नौ का भाग करके देख लेना है ना इसको मैं थोड़ी देर से बताऊंगा नहीं तो तुम ना भाग जाओगे अभी इसलिए मैं एक साथ सारी चीजें नहीं बताता हूं अब हम आते हैं इस सवाल पे है ना इस सवाल को ध्यान से देखिए ये आया हुआ सवाल है दो हजार बाईस का रियल इसको आप और हम मिलकर आप करेंगे हाँ मतलब नीचे ऐसा नंबर लाना है जो दस आ जाए बिल्कुल ठीक देखो इस सवाल ठीक है चलो भाई करें शुरू अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम ठीक है चलिए आ जाइए देखो यहां पे नौ आप देखो यहां पे वही बात है अब देखो नौ सौ पचपन में मुझे पांच का भाग देखना देना है कोइंसिडेंस हो सकता है कि सेम आ जाए लेकिन मैंने क्या कहा अपने मनी मन में दो का भाग दो का गुणा है ना तो पांच दोनों दस नीचे देखने की जरूरत नहीं है तो ये क्या है ये नौ हो गया पांच और पांच दस मतलब एक हो गया एक का दो में गुणा किया तो इसका डिजिटल सम कितना आया दो आया नीचे तो पांच और दो दस हो गया दस मतलब एक हो गया कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना है ना समझ गए नौ गया पांच और पांच दस दस मतलब एक एक का गुणा दो में करा तो दो आ गया इसका काम खत्म ये आ गया आपका दो पांच और एक दो और दो चार चौबीस चौबीस मतलब छ ये हो गया आपका नौ का गुणा किसी में भी करोगे नौ ही आएगा भाई है ना आठ सात पंद्रह पंद्रह मतलब पांच और एक छे, छे और छत्तीस छत्तीस का मतलब कितना आ गया नौ आ गया अंदर चलते हैं देखो उनचास में सात का भाग दोगे तो सात ही आएगा फिर यहां पर आपका क्या है नौ गया तो सात कितना हो गया सात आपका इक्कीस इक्कीस का मतलब तीन हो गया फिर यहां पे आप गए तो छो आठ आठ इंटू छ अड़तालीस अड़तालीस मतलब आठ चार बारह बारह का मतलब कितना हो गया तीन हो गया और आगे चलो छे और चार दस मतलब एक एक का तीन में गुणा करा तो तीन आ गया फिर यहां पे चलते हैं तो पांच और एक हो गया छह चार तीन सात और तीन दस मतलब एक तो छ कितना हो गया छ हो गया चेक कर लो क्या सारी बातें ठीक है सबसे मेन काम बस यही है ये जो हमारी पहली स्टेप है बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद तो फिर फटाफट आपका प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है है ना करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखिए नौ से आपका नौ गया और इसको अभी आप देखो तो छह में से दो गया तो ये आपका माइनस का चार है इसको देख लेते हैं यहां पे आपका तीन से तीन गया तो सात और तीन दस दस में से आपका छ गया तो कितना बचा प्लस का चार चार में से चार गया तो भैया क्या आया जीरो अब जीरो आने के कई मतलब हैं जीरो का मतलब नौ भी हो सकता है जीरो का मतलब माइनस नौ भी हो सकता है जीरो के तीन तीन मतलब होते हैं नौ का मतलब माइनस नौ भी नौ का मतलब नौ भी और नौ का मतलब जीरो भी तीनों एक ही बात है है ना अब ऑप्शन आप उठा के देख लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा मैंने माइनस क्यों लिखा क्योंकि मुझे तीन ऑप्शन माइनस में दिखे तो किसी इनमें से कोई भी आंसर आ जाए चलेगा जीरो आ जाए नौ आ जाए और माइनस नौ आ जाए जीरो तो वैसे आ ही नहीं सकता एक ही आएगा जीरो तो कभी आ नहीं सकता तो देखो यहां पे आपका नौ गया छे और चार दस दस और सात सत्रह सत्रह मतलब कितना हो गया आठ ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि मुझे नौ या प्लस या माइनस में चाहिए है ना यहां चलते हैं नौ गया और छह ग्यारह में आठ जोड़ दिया तो ये हो गया उन्नीस नौ और एक दस मतलब ये आ गया आपका एक, एक हमारे पास है नहीं तो ये भी नहीं हो सकता यहां पे नौ और नौ गए आठ और आठ सोलह सोलह मतलब कितना हो गया सात यहां पे आ जाए तो नौ गया छे चार दस और आठ अठारह अठारह का मतलब नौ और वो भी माइनस में तो मेरे भाई डी आपका आंसर है डी आपके प्रश्न का आंसर है विदाउट एनी दिक्कत परेशानी क्लियर कोई तकलीफ हम्म वेरी गुड एक बार सारे नियम कायदे सीख लो देखो जीरो तो आ ही नहीं सकता कभी जीरो कैसे आएगा अगर ऑप्शन में अंकों को जोड़ोगे जीरो कैसे आएगा तो जीरो आ नहीं सकता तो नौ आएगा नौ का मतलब माइनस नौ भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे इस सवाल को देखें मजा आ रहा है दो ऑप्शन कभी सेम नहीं होंगे ठीक है और अगर होंगे तो फिर वो डिजिटल सम से सॉल्व नहीं होगा कुछ कंडीशंस होती है कि जहां पे दो ऑप्शन सेम होते हैं बट स्टिल वो सॉल्व हो जाता है बट ऐसे केस बहुत कम होते हैं या तो सारे ऑप्शन अलग होंगे और अगर मैच हुआ तो फिर समझ लो कि पूरा पूरा करना पड़ेगा लेकिन बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल में कभी ऐसा नहीं होता ठीक है चलिए आइए शुरू करते हैं अंताक्षरी फिर से यहां पे भाई आपका नौ तो गया तो आठ और सात पंद्रह मतलब छ छ सात बयालीस मतलब फिर से छह यहां पे क्या हो गया पांच और दो सात और दो नौ गया तो केवल अच्छा यहां पे भाग है देखो भाग पांच यानी दो का गुणा करना है समझ गए ना नीचे पांच यानी दो का गुणा दो का भाग और इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है तो ऊपर केवल दो का गुणा कर दो तो देखो पांच दो सात और दो नौ बचा पांच पांच का दुगुना दस दस का मतलब एक खत्म बात आगे चलते हैं चार दो छे पंजे तीस यानी ये आगे, आगे आपका कितना तीन और आगे चलते हैं यहां पे चाहे तो आठ का भाग दे दें आठ पंजे चालीस आठ इंटू छ अड़तालीस छ पांच ग्यारह मतलब दो फिर यहां पे क्या है यहां पे पांच और दो कितना हो गया सात अंदर चलते हैं पांच दो सात और दो नौ तो चाहो तो इसको नौ लिख लो फिर यहां पे क्या है पांच दो सात सात चौक अट्ठाईस अट्ठाइस का मतलब क्या आ गया आठ और दो दस मतलब एक ठीक है छे और तीन नौ नौ में से एक गया तो आपके पास आठ बचा अंदर चलते हैं तो यहां पे सभी हैं तो ये दोनों माइनस वाले हैं नौ और दो ग्यारह और ग्यारह में से आठ गया आपका है ना सात और एक कितना हो गया आठ तो ये हो गया आपका कितना ग्यारह में से आठ गया तो ये आ गया आपका तीन है ना आठ और तीन ग्यारह ग्यारह का मतलब कितना होता है दो तो हमारे प्रश्न का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका दो आएगा एक मिनट सही यहां तक किसी चिन्ह में गलती तो नहीं है ये दो हो गया फिर आपका माइनस का सात आ गया आठ चार बारह आठ और आठ सोलह अरे यार यहां पे आठ पंजे चालीस आठ इंटू छ अड़तालीस छह पांच ग्यारह ग्यारह का मतलब दो सही है हम्म ओके कहा पे पांच और दो हो गया सात सात इंटू चार अट्ठाईस आठ और दो दस दस का मतलब एक ही तो आएगा है ना छ तीन नौ नौ में से एक गया तो ये तो आपका आठ हो गया नौ में से गया आठ आठ दो दस दस में से ये आ गया आपका तीन है ना अच्छा यहां पे माइनस लगा है यार यहां पे माइनस लगा है मैंने प्लस लगा दिया ठीक है यहां पे आप माइनस लगा लेना आठ में से तीन जाएगा तो ये आपका पांच आ जाएगा अभी ठीक है क्या हाँ अभी ठीक है यहां पे माइनस था मैंने यहां पे प्लस कर दिया था आठ में से तीन गया पांच आ गया चलो पांच वाले ऑप्शन ढूंढ लो एक ही नौ गया, तो यहां पे दो आया, ये नहीं हो सकता क्योंकि मुझे पांच चाहिए नौ गया सात और दो नौ ये भी नहीं हो सकता नौ गया तीन और दो पांच हो सकता है नौ गया तीन और दो पांच माइनस का पांच तो पांच पॉजिटिव है इसका नेगेटिव क्या माना जाएगा इसका नेगेटिव माना जाएगा भैया माइनस का चार ऐसे नहीं कि पांच और माइनस पांच दोनों आ गए अब क्या करें ऐसे नहीं हो सकता पॉजिटिव पांच है तो नेगेटिव चार माना जाएगा तो या तो पांच होगा या माइनस का चार होगा तो आपका आंसर क्या आएगा प्लस का पांच सी आपके प्रश्न का आंसर है सी इज द राइट आंसर डिवीजन में कभी डायरेक्ट मत खेलना पहले उसको सही करना या तो डायरेक्ट भाग दे दो सबसे बेस्ट है भाग नहीं दिया जा रहा तो फिर आपको मैंने टेक्निक बता दी कि पांच आया तो दुगना चार आया तो सात गुना आठ आया तो आठ का गुना वो खेल खेलना पड़ेगा चल दुबाजी नहीं हाँ चलो बहुत बढ़िया इंदौर के मालवी नगर से क्लास ले रहे हैं अच्छा जी अच्छा कहां कहां से क्लास ले रहे हो मुझे ये तो पता है कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कितने लोग मध्य प्रदेश के बाहर के हैं कैसे पता लगाएं कि डिजिटल सम लगेगा या नहीं जब आपको लगे कि ये बहुत कैलकुलेटिव है तब आप डिजिटल सम लगाइए आपको पूर्ण आराम मिलेगा हाँ जी अच्छा बिहार से भी हैं मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश नेपाल अब तुम ना दूर जा रहे हो फिर है ना अमरावती महाराष्ट्र क्या बात है अलीराजपुर आगरा शिवपुरी वेल डन मतलब सारे अपने आसपास के सारे राज्य यहां पर उपस्थित हैं ऐसा मान ले है ना साजापुर रीवा सीधी शिवपुरी छत्तीसगढ़ जम्मू एंड कश्मीर <laughs> चलो बढ़िया भाई अच्छी बात है हाँ जी अरे क्या बात है बहुत आसान सवाल आ गया आप लोगों के लिए तो आंसर बताओ इस आसान से सवाल का बनेगा चलो इसको हम समझते हैं यहां पे मुझे भाग देना है और ये अब देखो यहां पे आपको खेल समझ में आ जाएगा पहले तो भैया ऑफ आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा कि पहले क्या करते हैं पहले यह हल होगा है ना तो यह सवाल ऐसा है कि छ पांच एक नौ सात पांच मल्टीप्लाई बाय पांच एक तीन और इसको मुझे भाग देना है आठ तीन से पहले ऑफ फिर भाग पहले का हल होता है फिर गुणा हल होता है यह ध्यान रखना है ना चलिए तो यहां पे आपका नौ चला गया इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या कुछ नहीं हो सकता यहां से भी नौ गया 6 और तीन नौ गया तो बचा आठ अगर आठ बचा है तो आठ का गुणा और आठ का भाग देना पड़ेगा ताकि आठ और आठ चौसठ हो जाए चौसठ का मतलब दस हो जाए दस का मतलब एक हो जाए है ना तो नीचे का, का काम तो भैया अपना खत्म अब इनको देख लो यहां पे हो जाएगा सात और पांच बारह देखो सात और पांच बारह और छ अठारह ये भी आपका गया नौ के पहाड़े को भी तो ले सकते हो है ना तो अब क्या बचा अब बचा कुल मिला के पांच और एक पे आ जाओ और छीन नौ गया तो यह आ गया आपका और पे क्या है आपके पास है तो ये हो गया छे और छत्तीस छत्तीस का मतलब नौ और नौ का गुणा किसी से भी करोगे तो इसका डिजिटल सम जो है नौ आएगा क्या इसका डिजिटल सम जो है वो तो नौ ही आएगा आगे चलते हैं यहां पे आ जाओ तो और छीन नौ पांच और चार नौ इसको चाहो तो नौ लिख लो चाहो तो नौ लिख लो ना भी लिखो तो भी दिक्कत नहीं है नौ गया और छीन नौ गया तो बचा कितना आठ तो नौ से नौ गया तो मेरे भाई यहां पे कितना आ रहा है आठ आ रहा है मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंकों का योग कितना हो उसके अंकों का योग आठ हो तो चलो पहले वाले को ट्राई कर लेते हैं यहां पर मैंने देखा नौ गया छे चार दस आठ छह दस आठ और आठ सोलह यानी छब्बीस छब्बीस का मतलब कितना होता है आठ इसके होने के चांसेस हैं आगे चलते हैं छे और तीन नौ गया आठ दो दस और एक ग्यारह ग्यारह का मतलब दो है यहां पे आप अगर देखोगे तो आठ और आठ सोलह सोलह में आपने दस जोड़ दिया छब्बीस और एक सत्ताईस सत्ताईस का मतलब कितना आ जाएगा नौ यहां पे अगर मैं देखूंगा तो छ तीन नौ चार और तीन सात तो मामला स्पष्ट है यहां पे आठ है यहां पे दो है यहां पे नौ है यहां पे, पे सात है तो बात बड़ी स्पष्ट है कि आपका आंसर कितना आएगा ए आएगा अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सर आप समझ रहे हैं हम कि खेल होता क्या है यहां पे ठीक है, वेरी गुड अब इजी लग रहा है वेरी गुड ठीक है चलो और आगे लेकर चले आपको इसको देखो भाई अब सास चल चल रही है ना ठीक है <क्थाँगा> हाँ जी, तीन हजार एक सौ पच्चीस का एक बटे पांच चाहो तो देखो पांच का भाग दे दो पर क्योंकि अब डिजिटल सीख रहे हैं तो अपन फिर वो काम नहीं करेंगे नीचे पांच आया है तो ऊपर दो का गुणा करेंगे नीचे पांच आया है तो ऊपर दो का गुणा करेंगे नीचे आठ आया है तो ऊपर आठ का गुणा करेंगे ये आपको पता है है ना तो पांच और दो सात और एक आठ ये पूरा पूरा हो जाएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं पांच तीन आठ और एक नौ तो बचा कितना दो दो दुनी हो गया चार आगे चलो छ और तीन नौ हो गया तो बचा आपके पास चार चार और चार हो गया सोलह सोलह मतलब सात आगे चलो यहां पे हो गया आठ और एक नौ पांच और चार नौ तो ये पूरा हो गया आठ इंटू सात छप्पन छप्पन का मतलब हो गया छह पांच ग्यारह ग्यारह का मतलब कितना आ गया दो तो सात और चार ग्यारह और ग्यारह में से अगर आपने यहां पे नौ दो घटा दिया तो आपके पास नौ बचेगा एक बार चेक करिए कैलकुलेशन ठीक है क्या हाँ अच्छा अरे यार यहां हम हमें गलती क्यों कर रहे हैं देखो यहां पे ठीक है यहां पे हमें क्या करना है कि इनका इनको जोड़ने पर तो नौ ही आएगा और नौ का गुणा किसी में भी करेंगे तो नौ आएगा ना नौ का गुणा किसी में भी करेंगे तो नौ आएगा इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है अठारह आ रहा ना आठ पांच तेरह और पांच अठारह अठारह मतलब नौ और नौ का गुणा किसी से भी करेंगे तो नौ ही तो आएगा है ना तो ठीक है ये हो गया सात चार ग्यारह ग्यारह में से नौ गया तो आपका दो आ गया अब मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंकों का योग कितना हो दो हो तो बताओ कौन सा हो सकता है वेरी गुड भाई ये हो गया नौ गया नौ गया तो आठ बचा नहीं हो सकता नौ गया आठ और पांच तेरह तेरह का मतलब कितना हो गया तेरह का मतलब चार हो गया नहीं हो सकता फिर यहां पे नौ गया आठ चार बारह बारह का मतलब तीन हो गया नहीं हो सकता ये नौ गया आठ और तीन ग्यारह ग्यारह का मतलब दो है डी आपका आंसर बिल्कुल हो सकता है डी इज द करेक्ट आंसर ओके डन ठीक है अगर अंकों का योग आपका नौ आ गया तो फिर नौ का गुणा आप किसी से भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये बात आप ध्यान रखना है ना एक मिनट थोड़ा सा ये अपना पेज ऊपर नीचे हो गया इसको मैं सेट कर दू थोड़ा अब ठीक है है ना ये हो जाएगा आपका आंसर नौ गया आठ तीन ग्यारह ग्यारह मतलब दो तो दो आ रहा है डी से डी बिल्कुल सही चलिए नौवा सवाल बताओ हाँ, होमवर्क के लिए जरूर सवाल देंगे आपको अच्छा एक चक... ये वाला सवाल आपको मैंने होमवर्क में दिया एक सवाल आपको मैं चक्रवृद्धि ब्याज का बताता हूं मैंने आपके लिए सवाल तो बहुत सारे निकाले थे आपको चक्रवृद्धि ब्याज में सिखाता हूं कि डिजिटल सम कैसे लग सकता है एक सवाल हम कर लेते हैं और अगर आप चाहते हो कि कल भी एक क्लास और हो तो मुझे कमेंट करके बताना इस सवाल के बाद है ना क्योंकि सवाल अभी काफी बचे हुए हैं तो हमसे इस सवाल में कहा गया है कि बारह हमारे पास प्रिंसिपल है अट्ठारह महीने हैं और समय हमारे पास सोलह दर हमारे पास सोलह परसेंट है और वो भी कैसा है वो भी अर्धवार्षिक है हाफ है आपको पता है कि हाफ ईयरली में क्या होता है रेट का आधा और समय का दुगना. अर्ध अर्धवार्षिक में रेट का आधा यानी ये बनेगा आठ परसेंट और 18 का दुगना यानी छत्तीस महीने और छत्तीस महीने का मतलब क्या होता है तीन साल है ना भाई तो आपसे कहा है प्राप्त राशि क्या होगी बारह हजार नौ सौ रुपए को निवेश किया जाता है प्राप्त राशि क्या होगी यह आपसे पूछा गया है मतलब इन्होंने आपसे क्या पूछा है इन्होंने आपसे मिश्रधन पूछा है ब्याज सहित कितनी राशि प्राप्त होगी यह आपसे इन्होंने पूछा है है ना तो सुनिएगा मेरी बात थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज चैप्टर का होना चाहिए आपको पता है कि मूलधन हमेशा सौ होता है और उस पर एक साल का ब्याज आठ हो जाएगा तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 108 सौ बटे सौ और ऐसा कितने साल तक होगा ऐसा तीन साल तक होगा मतलब 8 परसेंट ब्याज मुझे कितने साल लगाना है तीन साल लगाना है क्लियर हुई बात या नहीं हां ठीक है आठ परसेंट ब्याज मुझे कितने साल लगाना है तीन साल लगाना है तो सुनना यहां पे नौ गया तो दो और एक आ गया आपका तीन यहां पे इससे फर्क नहीं पड़ता आठ और एक हो गया नौ और नौ का घन कितना आएगा नौ का घन सात सौ उन्तीस ही आएगा और जब यही आपका सात सौ उन्तीस है तो यहां पे कुल मिला के नौ आएगा नौ का घन करेंगे तो आएगा तो आखिरी में नौ ही नौ सात और दो नौ तो कुल मिला के नौ का तीन यानी इसका डिजिटल सम कितना है इसका डिजिटल सम नौ है अब मुझे ऐसा ऑप्शन तलाशना है जिसका डिजिटल सम कितना आ जाए नो आ जाए है ना तो देखो यहां पे अगर हम देखते हैं मान लीजिए उदाहरण के तौर पर वैसे इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि अगर बारह हजार रुपए उधार दोगे तो ब्याज सहित तो आंसर बारह हजार से ज्यादा ही मिलेगा और बारह हजार से ज्यादा ये दो ही आंसर हो सकते हैं तो ये दो तो आंसर वैसे भी पॉसिबल नहीं है इन दोनों को चेक कर लेते हैं है ना तो चलो यहां पर मुझे बताओ यहां पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सात और दो नौ गया ठीक है इसके बाद आपका क्या हो जाएगा और तीन नौ गया आठ और एक नौ गया तो बचा पांच पांच दस और एक ग्यारह यानी इसके अंकों का योग कितना आ रहा है दो आ रहा है छोड़ो इधर आ जाओ तो यहां पे अगर आओगे तो आठ और एक नौ ये गया ठीक है इसके बाद पांच दो सात और दो नौ ये भी गया तो छह चार दस और आठ अट्ठारह अट्ठारह का मतलब कितना आ रहा है नौ तो भाई साहब आपके प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा डी डी आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा हालांकि इस सवाल में इतनी भी मेहनत नहीं थी बट स्टिल आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है तो ऐसे हम किसी भी चैप्टर के अंदर डिजिटल सम लगा सकते हैं। प्रश्न को हल करने पर अंकों का योग जो आएगा वही आंसर के अंकों का योग आएगा बस इतनी सी बात आप सभी को समझानी थी क्लियर कौनो दिक्कत परेशानी मजा आया चलिए समय हमारा एक घंटे से ऊपर हो चुका है तो मुझे आप सभी अपनी लाइक्स की संख्या और अगर आपको अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और उससे इंपॉर्टेंट आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसकी एक और क्लास रखी जाए इस सेशन के एंड होने के बाद जब इवेंट खत्म हो जाए तो लाइव चैट में नहीं लाइव चैट में तो कुछ पढ़ते ही नहीं बनता है जब ये सेशन एंड हो जाए तो कमेंट करके बताना कल एक और क्लास और रखना है क्या कल और अपन इसको पढ़ लेंगे पूरा सॉल्व कर लेंगे सेप्ट मैंने आपको सारा बता दिया है अब सिर्फ प्रैक्टिस करानी है आप चाहते हैं तो कल प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं दो मिनट के अंदर मिल जाएगी टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना है ना अच्छा आपकी जानकारी के लिए बता दू कि इस संडे हम तीन घंटे की फिर से एक मैराथन क्लास आपके लिए ला रहे हैं और ये रहेगी शाम को छह बजे इस संडे तीन घंटे की मैराथन और इसमें अरिथमेटिक एडवांस सब रहेगा तो तीन घंटे की मैराथन क्लास अटेंड करना है आपको शाम को छह बजे रविवार को सारे प्रश्न का मिला जुला उसमें रहेगा और आपको पता है कल हमने आप लोगों के लिए एक एमपी जी के निःशुल्क किताब ई बुक के माध्यम से लॉन्च करी है जिसे आप टेलीग्राम और एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावा ये सब किताबें इसमें बस एक यही किताब है जो बीस रुपए की है बाकी सारी किताबें जितनी दिख रही हैं ये सारी किताबें आपके लिए फ्री हैं जो विनर्स के एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हो निःशुल्क है ना ये किताब है जिसमें पांच सौ क्वेश्चन विथ सोल्यूशन हमने दिए हैं इसको आप डाउनलोड जरूर करिए एप्लीकेशन पर मिलेगा एप्लीकेशन पे कहा मिलेगा ये बुक्स वाले सेक्शन में बुक्स वाले सेक्शन में जाओगे तो ये ई e बुक्स दिखेगा अभी इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन आप देखेंगे अभी देखने देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा है ना तो आप ये किताब निशुल्क डाउनलोड कर सकते हो एक हमने पिछले महीने फॉर्मूला बुक आपके लिए निकाली थी ये फॉर्मूला बुक भी फ्री है इसमें आपके पूरे मैथ्स का फॉर्मूला मिल जाएगा है ना इसके अलावा आपको अगर चाहिए तो मेरी मैथ्स की किताबें हैं अरिथमेटिक की एडवांस की इसके अलावा जनरल इंग्लिश है हिंदी है सारी किताबें आप ले सकते हैं जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं इन किताबों को घर बैठे बुलाने के लिए आप विनर्स की पब्लिकेशन ऐप से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं है ना अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप और अगर आपको किताबें खरीदनी है तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप है ना ये हमारे सारे चैनल है इन सभी को आप सब्सक्राइब करें और ये टेस्ट सीरीज है हर संडे विनर्स की ऐप पर एक निःशुल्क टेस्ट होता है तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका टेस्ट लगाइए परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तोड़ना और चेक करना है कि अपनी रैंक क्या आ रही है ठीक है भाई उम्मीद है आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा आप सभी के सुंदर सुंदर कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा तो इस सेशन के एंड होते ही अगर आप यहां तक आए हो मुझे सुन रहे हो तो एक कमेंट करके जरूर बताना कि डिजिटल सम का सेशन आज का कैसा रहा और क्या कल क्लास रखनी है वो मुझे आप बताना बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद खुश रहिए मस्त रहिए मुस्कुराते रहिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए गुड नाइट बाय बाय